Welcome dear student to this practical session of manufacturing processes. So we will conduct virtually our third experiment, that is demonstration of different types of pattern. As it is already covered in theory lecture, we will have an overlook on the all types of patterns, and the virtual demonstration will be given through a video. So let's start. Aim of our experiment, that is experiment number 3, is demonstration of different types of pattern. Our objective means ये experiment पढ़ने के बाद आपको क्या आना expect है, ये हमारे objectives है. Understand pattern making process के बारे में एक understanding आना चाहिए आपको. Differentiate types of patterns. अगर आपको patterns दिखाए जाए अलग अलग type के, तो आपको differentiate करते आना चाहिए कि this one is a match plate pattern, this one is a gated pattern, this one is a skeleton pattern. ये differentiation आपको आना चाहिए. This is our second objective. Third one, demonstrate different types of pattern. आपको एक demonstration देना, ये objective है इस practical का. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न का. तो हमने इसमें से सारे पैटर्न्स थ्योरी लेक्चर में कवर किए, फिर भी एक ओवरव्यू हम लेते हैं. सो इन थ्योरी टाइप्स ऑफ पैटर्न, सबसे पहला पैटर्न है आपका, दैट इज अ सिंगल पीस पैटर्न. इट इज अ सिंपलेस्ट पैटर्न. दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज मेड फ्रॉम वन पीस एंड डू नॉट कंटेन लूज पीस और जॉइंट. एक सिंगल यूनिट में पैटर्न होता है, कोई भी जॉइंट नहीं होता है, या जॉइंट होगा भी तो वो रिमूवेबल नहीं होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज सिंगल पीस पैटर्न. सबसे सिंपल होता है, सबसे इकोनॉमिकल होता है. एप्लीकेशन क्या है इसका, यूज फॉर मेकिंग फ्यू लार्ज सैंपल साइज ऑफ कास्टिंग. बहुत कम अमाउंट में आपको कास्टिंग बनाना है, उस समय सिंगल पीस पैटर्न यूज होता है. कम अमाउंट में भी क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए, और उसका साइज जनरली कैसा होता है, लार्ज होता है. आपके प्रोडक्ट का साइज जनरली लार्ज होता है, वो सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स शेप नहीं होता है. उस समय आप सिंगल पीस पैटर्न यूज कर सकते हो. फॉर मेकिंग मोल्ड, वन पीस पैटर्न इज अकोमोडेटेड आइदर इन कोप और इन ड्रैग. दोनों पार्ट में नहीं जाएगा पैटर्न, कोप या ड्रैग दोनों में से किसी एक पार्ट में पैटर्न की कैविटी बनाई जाती. सो इट इज अकोमोडेटेड ओनली इन अ सिंगल पार्ट, आइदर कोप और ड्रैग. एग्जाम्पल क्या है, स्टफिंग बॉक्स ऑफ स्टीम इंजिन. सिंपल शेप है, कोनिकल शेप, जैसे यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है, उस तरह के शेप हम कहाँ से बनाते हैं, सिंगल पीस पैटर्न से बनाते हैं. लार्ज साइज, सिंपल इन ज्योमेट्री एंड नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अब सेकंड है स्प्लिट और टू पीस पैटर्न और मल्टीपल पीस पैटर्न. नाउ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड शेप, जब हमें कॉम्प्लिकेटेड शेप के पैटर्न्स बनाने हैं, उस समय हम कौन सा यूज करते हैं, स्प्लिट टू पीस और मल्टीपीस पैटर्न. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है, टू पीस पैटर्न है, दो पीस में बनाया गया है. ऊपर की तरफ डॉवेल पिन्स होती है और नीचे की तरफ डॉवेल्स होल्स होते हैं. पिन और होल्स एक दूसरे से मैच होकर उसे मूवमेंट से रोकते हैं, पैटर्न को लैटरल मूवमेंट से रोकते हैं, ताकि कैविटी एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर बने. तो ये कहाँ पर यूज होते हैं, इंट्रिकेट शेप, कॉम्प्लिकेटेड शेप. Cannot be made in single piece
जो सिंगल पीस में नहीं बनाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ सम मोल्डिंग डिफिकल्टीज सच पैटर्न्स आर देन मेड एज अ स्प्लिट और टू पीस पैटर्न। रिमूव, अगर सिंगल पीस में बनाते हो तो रिमूव करने में दिक्कत हो सकती है। इस तरह के शेप हम टू पीस या मल्टी पीस में बनाते हैं। अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ स्प्लिट पैटर्न इज अकोमोडेटेड इन कोप एंड ड्रैग पोर्शन ऑफ मोल्ड। अगर दो पीस है, टू पीस पैटर्न है, तो उस केस में अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दो अलग अलग इसमें जाएंगे, एक जाएगा कोप में, एक जाएगा ड्रैग में। अगर मल्टी पीस है, मोर देन टू है, तो उस समय एक एक्स्ट्रा आपका बॉक्स बढ़ जाता है जिसमें आप मोल्ड बनाते हो, उसमें एक थर्ड बॉक्स ऐड हो जाता है। अगर थ्री पीस है तो, फोर पीस है तो फोर्थ बॉक्स ऐड हो जाता है। कोप और ड्रैग छोड़ के, एक्सेप्ट कोप एंड ड्रैग, ऑल अदर बॉक्सेस आर कॉल्ड एज चिक्स। तो मल्टी पीस पैटर्न के लिए कोप, ड्रैग, चिक्स, जितने नंबर ऑफ पीस है पैटर्न में उतने चिक्स आपके बढ़ते जाएंगे। सो दैट इज फॉर स्प्लिट, टू पीस और मल्टी पीस पैटर्न। इसके एग्जांपल क्या है? स्पिंडल्स, सिलेंडर्स, स्टीम वॉल बॉडीज, वाटर स्टॉप्स, स्मॉल पुलीज एंड व्हील्स, दीज आर द एग्जांपल्स। अब इससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज द लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न मतलब इसमें एक मेन बॉडी होती है और दूसरे होते हैं लूज पीस। मेन बॉडी और लूज पीस एक दूसरे के साथ स्लाइडिंग लॉक में रखे जाते हैं। आप लूज पीस को अलग से रिमूव कर सकते हो और मेन बॉडी को अलग से रिमूव कर सकते हो। ये और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पार्ट के लिए लूज पीस पैटर्न यूज करते हैं। मेनी टाइम्स ड्यू टू प्रोजेक्टिंग पार्ट इट इज़ डिफिकल्ट टू विदड्रॉ द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड। इन सच केसेस द प्रोजेक्टिंग पार्ट्स आर प्रोवाइडेड और लूज पीस टेम्पररली अटैच टू द पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर इस तरह का शेप है, ये मेरा पैटर्न का शेप है। अब इस केस में कोई भी प्रोजेक्टिंग पार्ट नहीं है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। जब मैं मोल्ड में इस पैटर्न को रखूंगा, उस समय मैं इसे ऊपर की तरफ भी रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे साइड से भी रिमूव कर सकता हूँ। आई हैव टू ऑप्शंस। तो इस केस में ये पैटर्न मैं सिंगल पीस में बना सकता हूँ। बट इफ दिस पार्ट हैज एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री लाइक दिस, अब इस तरह की ज्योमेट्री है, अब देखो ऊपर की तरफ ये रिमूव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पार्ट बीच में आ जाता है, अगर आप रिमूव करने जाते हो तो ये ब्रेक कर देगा मोल्ड को। साइड से भी ये रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर साइड से रिमूव करोगे तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पार्ट बीच में आ जाता है, अब ये ब्रेक कर देगा मोल्ड को। अब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड शेप में हम क्या करते हैं? अब इस समय ये दोनों पीस हम कैसे बनाते हैं? लूज पीस। ये सेपरेटली रिमूव कर सकते हो, मतलब ये मेन बॉडी ऊपर की तरफ रिमूव हो जाएगी पूरी तरह से, और लूज पीस वही के वही रह जाएंगे, मोल्ड में ही रहेंगे। फिर लूज पीस आप सेपरेटली रिमूव कर सकते हो। तो इन दोनों में से एक कोई लूज पीस होगा। अगर ऊपर से रिमूव करना है तो ये लूज पीस हो गया आपका, ये यहीं पर रह जाएगा, और अगर साइड से रिमूव करना है तो ये लूज पीस हो जाएगा। कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। लूज पीस मतलब ऐसा पीस जो बॉडी से अलग है, बॉडी अलग रिमूव होगी और लूज पीस अलग से रिमूव होगा, दैट इज कॉल्ड एज लूज पीस पैटर्न। ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और कॉस्टली भी होता है। नाउ मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था थ्योरी में, दिस वन इज अ मास प्रोडक्शन पैटर्न। जब भी मास प्रोडक्शन या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन चाहिए होता है, उस समय जो पैटर्न यूज करते हैं वो है मैच प्लेट पैटर्न। अब इसमें होता क्या है, सेंटर में एक प्लेट होती है, मैच प्लेट। मैच प्लेट के ऊपर की तरफ स्प्लिट पैटर्न का हाफ पोर्शन लगाया जाता है और नीचे की तरफ स्प्लिट पैटर्न का बचा हुआ हाफ पोर्शन लगाया जाता है।
मतलब हम एक स्प्लिट पैटर्न लेते हैं और मैच प्लेट के दोनों तरफ उसे माउंट करते हैं ताकि वो एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। मैच प्लेट का काम क्या है? स्प्लिट पैटर्न के दोनों पोर्शन को एक दूसरे के साथ मैच करना। अब ये मास प्रोडक्शन के लिए क्यों यूज़ होता है? क्योंकि मैच प्लेट पर बहुत सारे स्प्लिट पैटर्न लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न, यहाँ पर एक पैटर्न, यहाँ पर एक पैटर्न, यहाँ पर एक पैटर्न, अब दूसरी तरफ उसका बचा हुआ हाफ, बचा हुआ हाफ, बचा हुआ हाफ, बचा हुआ हाफ। तो इतने सारे प्रोडक्ट आप एक सिंगल सेटअप में बना सकते हो। दैट्स वाई दे आर यूज फॉर मास प्रोडक्शन। नाउ पैटर्न कंसिस्ट ऑफ मैच प्लेट ऑन आइदर साइड ऑफ विच, मैच प्लेट के आइदर साइड में ईच हाफ ऑफ स्प्लिट पैटर्न इज फास्टर्न। स्प्लिट पैटर्न के हाफ दोनों साइड पे फास्ट यानी फिक्स किए जाते हैं। मैच प्लेट पैटर्न आर प्रिफर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल कास्टिंग ऑन मास स्केल, छोटे साइज के प्रोडक्ट लेकिन मास स्केल पर, मास मतलब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन रेट उसका ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल पिस्टन रिंग ऑफ द आईसी इंजिन। तो मैच प्लेट पैटर्न आपको ध्यान में रखना, ये मास प्रोडक्शन पैटर्न है। नेक्स्ट वन इज अ कोप एंड ड्रैग पैटर्न। कोप एंड ड्रैग पैटर्न में भी स्प्लिट पैटर्न यूज किए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक प्लेट है उसके ऊपर स्प्लिट पैटर्न का एक पोर्शन लगाया गया है और दूसरी प्लेट अलग से है उसके ऊपर दूसरा स्प्लिट पैटर्न का पोर्शन लगाया गया है। तो हाफ पोर्शन एक प्लेट के ऊपर, बचा हुआ हाफ पोर्शन दूसरे प्लेट के ऊपर। यहाँ मैच प्लेट जैसी सिंगल प्लेट नहीं होती, दो अलग अलग प्लेट पर इसे मैच किया जाता है या फिक्स किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा लार्ज कास्टिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर लार्ज कास्टिंग कोप एंड ड्रैग पैटर्न्स आर यूज। अ कोप एंड ड्रैग पैटर्न इज अनदर फॉर्म ऑफ स्प्लिट पैटर्न। स्प्लिट पैटर्न को ही मॉडिफाई करके ये पैटर्न बनाया गया है इन प्रोडक्शन ऑफ लार्ज कास्टिंग। लार्ज कास्टिंग मतलब लार्ज साइज कास्टिंग। द कंप्लीट मोल्ड्स आर टू हैवी टू बी हैंडल्ड बाय सिंगल ऑपरेटर। कास्टिंग इतनी लार्ज होती है कि उसका मोल्ड भी बहुत ज़्यादा लार्ज बनता है, क्योंकि पैटर्न लार्ज होता है। कास्टिंग के हिसाब से पैटर्न का साइज रहेगा, पैटर्न के साइज के हिसाब से मोल्ड का साइज बनेगा। तो दोनों पीस एक ऑपरेटर हैंडल नहीं कर सकता पैटर्न के, इसलिए क्या करते हैं, हम दो अलग अलग प्लेट यूज़ करते हैं। एक ग्रुप ऑफ ऑपरेटर कोप के पोर्शन पर काम करेगा, दूसरा ग्रुप ऑफ ऑपरेटर ड्रैग के पोर्स पे काम करेगा, और बाद में दोनों मोल्ड को क्रेन से एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया जाएगा जब कैविटी आपकी पूरी रेडी हो जाएगी। तो बहुत लार्ज साइज के कास्टिंग के लिए इस तरह के कोप एंड ड्रैग पैटर्न यूज किए जाते हैं। देयरफॉर कोप एंड ड्रैग पैटर्न्स आर यूज टू एज दिस प्रॉब्लम। कोप एंड ड्रैग पैटर्न्स आर माउंटेड सेपरेटली ऑन प्लेट्स ऑफ और बोर्ड्स। एक तो प्लेट होगी या बोर्ड होगे। दिस अरेंजमेंट परमिट ऑपरेटर टू प्रिपेयर कोप हाफ एंड ड्रैग हाफ सेपरेटली। सेपरेटली प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसे हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट वन इज अ स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न मतलब 360 डिग्री रोटेट करके हम पैटर्न से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज है, ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी एक्सिस सिमेट्रिकल। एक एक्सिस के साथ वो सिमेट्रिक होने चाहिए, जैसे हो गया सिलेंडर, कोनिकल, स्पेरिकल, इस तरह के ऑब्जेक्ट हम यहाँ से बना सकते हैं। ये भी लार्ज साइज कास्टिंग के लिए यूज होता है और जनरली लोम मोल्डिंग में स्केलेटन पैटर्न का यूज होता है, स्वीप पैटर्न का यूज होता है। मोल्ड ऑफ लार्जर साइज बट सिमेट्रिकल इन शेप, पर्टिकुलरली ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, कैन बी ईजीली प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग स्वीप इंस्टेड ऑफ फुल पैटर्न। इट अवॉइड्स एक्सपेंसिव पैटर्न कंस्ट्रक्शन। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, यानी स्वीप यूज करेंगे हम, एक टेम्पलेट यूज करेंगे। थ्री डायमेंशनल मुझे कैविटी बनानी है तो मैं टू डायमेंशनल पैटर्न यूज करूँगा जो कैविटी का एक टेम्पलेट होगा। अगर मुझे एक स्पीयर बनाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, सेमी सर्कल, एक टू डायमेंशनल सेमी सर्कल यूज़ करूँगा। उसे सेंटर से अगर रोटेट करता हूँ तो क्या बनेगा, स्पीयर बनेगा। इसी तरह से सारी कैविटीज इसमें बनाई जाती है। पूरा थ्री डायमेंशनल पैटर्न कभी नहीं बनता, टू डायमेंशनल स्वीप बनता है और स्वीप को रोटेट करके 360 डिग्री हमारा क्या बनता है, मोल्ड बनता है। एग्जाम्पल है लार्ज केटल ऑफ कास्ट आयन, इस तरह के प्रोडक्ट
जो सिमेट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट वन इज अ गेटेड पैटर्न। गेटेड पैटर्न फिर से क्या है, मास प्रोडक्शन पैटर्न है। एक आपको गेटिंग सिस्टम अच्छी तरह से पता है, देखिए यह है गेटेड पैटर्न। इसमें क्या होता है, यहां से आपका मोल्टन मेटल पोर होगा, यह हो गया आपका स्प्रू। स्प्रू से यह क्या है आपके रनर, ऊपर से मोल्टन मेटल पोर होगा, स्प्रू में जाएगा, बाद में वो रनर में जाएगा, और हर पैटर्न छोटे छोटे गेट से यहाँ पर कनेक्टेड है। आप देख सकते हो हर पैटर्न कैसा कनेक्टेड है, ये एक पैटर्न और ये एक पैटर्न दोनों रनर के साथ गेट से कनेक्टेड है। तो यहाँ बहुत सारे गेट्स है, आप देख सकते हो सेंटर रनर से कनेक्टेड बहुत सारे क्या है, गेट्स है, और मल्टीपल पैटर्न सिंगल रनर के ऊपर माउंट किए गए हैं। तो बहुत सारी कैविटी होती है, बहुत सारी कैविटी के लिए एक सिंगल स्प्रू, एक सिंगल रनर होता है, और मल्टीपल गेट से वो लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज आर कनेक्टेड विद द सिंगल रनर एंड सिंगल स्प्रू। तो एक सिंगल सेटअप में आपके बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो यूज फॉर मास प्रोडक्शन। मैच प्लेट पैटर्न एंड गेटेड पैटर्न आर यूज फॉर मास प्रोडक्शन, यूज इन प्रोडक्शन वर्क वेयर मेनी कास्टिंग्स आर रिक्वायर्ड। मेनी कास्टिंग्स आर रिक्वायर्ड मतलब मास प्रोडक्शन। नंबर ऑफ स्मॉल पैटर्न्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ गेट विच प्रोवाइड सुटेबल चैनल फॉर फीडिंग मोल्टन मेटल टू दीज कैविटीज, हायर प्रोडक्शन रेट्स आर ऑब्टेन। प्रोडक्शन कैसे होता है, फास्टर होता है कंपेयर टू एनी अदर पैटर्न। नेक्स्ट वन इज अ स्केलेटन पैटर्न। स्केलेटन पैटर्न सिमिलर टू स्वीप पैटर्न लार्ज साइज कास्टिंग के लिए यूज होता है। पैटर्न फॉर वेरी लार्ज कास्टिंग वुड रिक्वायर्ड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टिम्बर फॉर फुल पैटर्न। अगर मुझे बहुत लार्ज कास्टिंग बनानी है और उसके लिए जब पैटर्न बनाऊंगा मैं, तो पैटर्न के लिए मटेरियल भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, यानी पैटर्न के लिए मटेरियल की बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगी। तो ये मटेरियल सेव करने के लिए कौन सा पैटर्न बनाते हैं, स्केलेटन पैटर्न। स्केलेटन पैटर्न मतलब एक वुडन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरा का पूरा सॉलिड पैटर्न नहीं बनाएंगे, बस उसका स्केलेटन बनाएंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन होता है, और स्केलेटन के ऊपर मैरो, बोन मैरो, उसके बाद मसल्स, उसके बाद स्किन, इस तरह का क्या होता है, स्ट्रक्चर के ऊपर मास प्रोड्यूस होता है, और मास से आपकी पूरी बॉडी बनती है। उसी तरह से स्केलेटन पैटर्न में पैटर्न का पहले क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को मास प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे सैंड। मतलब वुडन का स्केलेटन और सैंड एज अ कंप्लीट मास, और उससे आपकी बनेगी फाइनल बॉडी। सो इट इज यूज फॉर सेविंग द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर लार्ज पैटर्न्स। तो हम पूरा मटेरियल यूज नहीं करते, पूरा वुड यूज नहीं करेंगे, वुड से बस स्केलेटन बनाएंगे, और बाद में किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सैंड का, उस स्केलेटन को बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए। इस तरह के पैटर्न को कहते हैं स्केलेटन पैटर्न, और स्केलेटन पैटर्न भी बहुत लार्ज साइज कास्टिंग के लिए ही यूज किए जाते हैं, और लोम मोल्डिंग में स्केलेटन पैटर्न यूज किए जाते हैं। तो लोम मोल्डिंग में स्केलेटन और स्वीप, ये दो पैटर्न जनरली यूज किए होते हैं, क्योंकि लोम मोल्डिंग इज प्रिफर्ड फॉर लार्जर साइज कास्टिंग ओनली। पैटर्न फॉर वेरी लार्ज कास्टिंग वुड रिक्वायर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टिम्बर फॉर फुल पैटर्न, इन सच केस अ स्केलेटन पैटर्न इज एम्प्लॉयड। उसमें स्केलेटन पैटर्न का यूज किया जाता है। द स्केलेटन इज मेड फ्रॉम वुडन स्ट्रिप एंड दज अ वुडन फ्रेमवर्क, उसे कहते हैं स्केलेटन। द स्केलेटन पैटर्न इज फील्ड विथ सैंड एंड इज रैम, सैंड से फील करके उसे हम क्या करेंगे, एक बॉडी देने की कोशिश करेंगे। और लास्ट वन है सेगमेंटल पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न में लास्ट वन है, अभी बहुत सारे पैटर्न होते हैं लेकिन सेगमेंटल पैटर्न हम लास्ट में देखेंगे। मोल्ड्स फॉर सर्कुलर वर्क सच एज रिंग्स, गियर, व्हील, सेक्शन एक्सेट्रा। कौन से शेप, रिंग शेप, गियर शेप, व्हील शेप, ये शेप हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का पैटर्न नहीं बनाएंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे ये रिंग कास्टिंग से बनानी है,
ये एक रिंग है, थोड़ा सा थिकनेस होगा इसको, ये रिंग मुझे कास्टिंग से बनानी है। अब मैं पूरे के पूरे रिंग का पैटर्न बनाऊंगा क्या? बना सकता हूँ, बट इट इज़ पॉसिबल इस पैटर्न के लिए मैं बस इतना पोर्शन बनाऊंगा। बस इतना पोर्शन बनाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इतना सेगमेंट बस एज अ पैटर्न बनाया है, पूरे की पूरी रिंग नहीं बनाई। अब एक सेंटर के थ्रू इस सेगमेंट को मैं रोटेट करते जाऊंगा धीरे 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 धीरे, और इस रिंग के लिए जो कैविटी रिक्वायर्ड है वो मैं इस सेगमेंट से ही प्रिपेयर करूंगा। मैं पूरा का पूरा रिंग का पैटर्न नहीं बनाऊंगा, मैं एक सेगमेंट का पैटर्न बनाऊंगा इस तरह से, और इसे एक सेंटर पर क्या करूंगा, रोटेट करूंगा धीरे धीरे। तो 360 डिग्री रोटेट होने के बाद आपको क्या मिलेगा? कैविटी में इस रिंग की ही कैविटी मिलेगी। तो इस तरह के पैटर्न को कहते हैं सेगमेंटल पैटर्न। अब स्वीप पैटर्न और सेगमेंटल पैटर्न में डिफरेंस क्या है? दोनों को 360 डिग्री रोटेट करना है, बट सेगमेंटल पैटर्न इज यूज फॉर डिस्क शेप ऑब्जेक्ट, अ स्वीप पैटर्न इज यूज फॉर सिलेंड्रिकल स्पेरिकल कोनिकल ऑब्जेक्ट। डिस्क शेप ऑब्जेक्ट के लिए सेगमेंटल, और सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी सिलेंड्रिकल कोनिकल और स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए स्वीप। ये डिफरेंस है। और स्वीप पैटर्न इस एक सिंगल रोटेशन में पूरा का पूरा कैविटी जनरेट करता है, और सेगमेंटल पैटर्न स्टेप बाय स्टेप, पहले एक सेगमेंट का कैविटी जनरेट होगा, फिर सेगमेंट दूसरी जगह पर जाएगा, फिर दूसरा सेगमेंट का कैविटी जनरेट होगा, फिर सेगमेंट फिर से रोटेट होगा, ऐसे धीरे 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 360 डिग्री रोटेट होता है। दैट आर द डिफरेंस। सो हियर आवर थेरी पोर्शन इज कंप्लीटेड। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस थेरी यू हैव टू ऑब्जर्व द गिवन फिगर। जैसे ये फिगर है, इस फिगर को ऑब्जर्व करना है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको यहां पर लिखना है कि ये फिगर क्या है। सो दिस इज अ गियर, स्पर गियर। डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? ये एक स्पर गियर है, इसके लिए कौन सा पैटर्न यूज होगा? डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी लिखना है, इसके लिए कौन सा पैटर्न यूज होगा। तो स्पर गियर इज अ डिस्क शेप ऑब्जेक्ट। देखिए, यहां से मैं अगर इतना ही पैटर्न बनाओ, समझ में आ रहा है? इतने ही पोर्शन का मैं पैटर्न बनाऊंगा जहां से मैंने कटिंग दिखाया गया है, और इस पोर्शन को अगर मैं 360 डिग्री धीरे धीरे रोटेट करता हूं तो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा पैटर्न बनाने की जरूरत ही नहीं है, इतने पोर्शन का मैं पैटर्न बनाऊंगा। तो इस तरह का ये पैटर्न कौन सा हो गया? ये हो गया आपका सेगमेंटल पैटर्न। तो ये हो गया एक गियर, इसके लिए आप कौन सा पैटर्न यूज करोगे? सेगमेंटल पैटर्न, और गियर के अप्लीकेशन आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, पैटर्न का नाम लिखेंगे, पैटर्न कैसे बनाएंगे ये लिखेंगे, उसके लिए पैटर्न कैसे बनेगा ये लिखेंगे, और अप्लीकेशन में आपको गियर्स के अप्लीकेशन लिखने हैं। तो आपको हर फिगर को ऑब्जर्व करना है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, और उसका अप्लीकेशन लिखना है। इसी तरह से सेकंड फिगर, ये क्या है? दिस इज अ कनेक्टिंग रॉड ऑफ आईसी इंजिन, इंटरनल कंबशन इंजिन का कनेक्टिंग रॉड है। अब यहां पर डायग्राम में तीन चीजें आपको दिखाई दे रही है, वो तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है। दिस वन इज अ अपर पोर्शन ऑफ मोल्ड, दिस वन इज अ लोअर पोर्शन ऑफ मोल्ड, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज योर पैटर्न। तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। उस डायग्राम को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद ही उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, और उसके एप्लीकेशन लिखने, और उस यहां पर क्या आएंगे? कनेक्टिंग रॉड के एप्लीकेशन। तो यहां बहुत सारी चीजें, एक सिंगल चीज नहीं है। एक तो मोल्ड है, मोल्ड के दो पार्ट है, कोप एंड ड्रैग, उसके बाद प्रोडक्ट है और पैटर्न है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट वन, अब ये क्या है? देखने से
ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है, यह है फाइनल प्रोडक्ट। इट इज नथिंग बट अ आउटर बॉडी ऑफ सिंगल सिलेंडर आईसी इंजन, या फिर ये कॉम्प्रेसर भी हो सकता है, लेकिन ये पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर, सिलेंडर की बॉडी है, और आउटसाइड में उस पर क्या है, फिन है। फिन आर एक्सटेंडेड पोर्शंस ऑफ मेटल विच आर यूज फॉर इम्प्रूविंग द हीट ट्रांसफर रेट। नाउ ये तो हो गया ये प्रोडक्ट, अब ये क्या है, दिस वन इज अ एक्चुअल मोल्ड, बट वॉट टाइप ऑफ मोल्ड, इज द अपर पोर्शन ऑफ मोल्ड, ये मोल्ड का अपर पोर्शन है जो इस सिलेंडर के लिए यूज होने वाला है। लेकिन ये किस तरह का पैटर्न है, ये सिंपल टाइप ऑफ मोल्ड तो है नहीं, सिंपल मोल्ड नहीं है, ये कौन सा मोल्ड है। दिस वन इज नथिंग बट अ शेल मोल्ड, हमने शेल मोल्डिंग देखी थी, तो ये शेल मोल्ड है। ये पोर्शन क्या है, दिस वन इज अ कोर, ये कोर है। तो आपको ये तीन चीजें यहां पर डिस्क्राइब करनी है और उसका एप्लीकेशन बताना है। नेक्स्ट वन इज दिस फिगर, ये क्या है, यहां पर आप देख सकते हो, दिस वन इज अ स्प्रू, सिंगल स्प्रू है। दिस पोर्शन इज अ रनर एंड दीज आर स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ये आपके प्रोडक्ट्स है फाइनल। और यहां पर आपको जो छोटे छोटे पोर्शन ये दिख रहे हैं ब्रांच जैसे, दीज आर स्मॉल स्मॉल गेट्स, हर प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट गेट है, तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, गेटेड पैटर्न। लेकिन ये पैटर्न नहीं है, दिस वन इज अ प्रोडक्ट जनरेटेड बाय गेटेड पैटर्न, गेटेड पैटर्न से जनरेट हुआ हुआ प्रोडक्ट है। तो इसमें दो राइजर्स है, यहां एक स्प्रू है, या इसमें मल्टीपल स्प्रू भी हो सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड शेप है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट जनरेटेड बाय गेटेड पैटर्न, तो इसका आपको डिस्क्राइब करना है और यहां पर एप्लीकेशन लिखने हैं। प्रिकॉशन, एवरीबडी इज वेल नोन विद द प्रिकॉशन। तो ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद हम क्या कह सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हेंस वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न थ्रू डेमॉन्स्ट्रेशन। लेकिन अभी हमारा डेमॉन्स्ट्रेशन बाकी है, तो पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, फिर हम इस रिजल्ट को वैलिड रिजल्ट कहेंगे। सॉलिड पैटर्न, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट सॉलिड पैटर्न। इट इज आल्सो कॉल्ड अ सिंगल पीस पैटर्न, दिस टाइप ऑफ पैटर्न एग्जैक्टली लाइक द डिजायर्ड कास्टिंग। फॉर मेकिंग अ मोल्ड द पैटर्न इज अकोमोडेटेड आइदर इन कोप और ड्रैग। द मोल्डिंग प्रोसेस इज क्वाइट इनकन्वीनियंट and time consuming, so such patterns are used for producing a few large castings. Split pattern, let us see an example for split pattern. A split pattern is a solid pattern which is split into two halves. This split patterns has dowel holes and dowel pin for joining both halves. This split patterns are used for casting large products. Match plate pattern. Let us see an example for match plate pattern. Match plate patterns are widely used for casting products more than one in a single molding box. Cope side pattern, drag side pattern, match plate. In this, the split pattern with runner and gate system are mounted on a wooden or a metal board called match plate. Cope, drag. Then this match plated is assembled with the cope and drag box.
This match plate with split pattern can be withdrawn from the mold easily. Cope and drag pattern. Let us see an example for cope and drag pattern. It consists of cope pattern, drag pattern, match plate. The pattern made up of two halves are mounted on individual match plates. Flasks are placed individually on each side of the pattern. In this, the cope and drag part of the mold are prepared separately and assembled for casting. Cope and drag are removed. These patterns are used for casting heavy products. Gated pattern. Let us see an example for gated pattern. Runner, pattern, gate, spur. In the mass production of castings, more mold cavities are formed in single mold. Such molds are formed by joining a number of mold cavities by using common gate and razor system. Hence, this type of patterns are called as gated pattern. Skeleton pattern. Let us see an example for skeleton pattern. In small number of large casting, it is not economical to use solid pattern. In such cases, skeleton pattern are preferred. Skeleton pattern is a ribbed construction of wood which forms an outline of the pattern. This wooden frame is filled with loam sand and rammed. Strickle board. The surplus sand is removed by strickle board. For round shape, the pattern is made in two halves and joined with glue or by means of screws. Loam sand. Sweep pattern. Let us see an example for sweep pattern. Sweep pattern are used for forming large symmetrical mold by revolving a sweep attached to a spindle. Spindle, sweep, cavity. Segmental pattern. Let us see an example for simple segmental pattern. Segment of casting. Pivot pin. After ramming one section, the segmental pattern goes to the next section. This process is repeated until the entire mold is completed. Mold cavity. Shell pattern. Let us see an example for shell pattern. Cope half pattern.
drag half pattern. Shell patterns are used for casting hollow products. Outer shape of the pattern is used for making the mold. Core. Inner shape of the pattern is used for making the core. Loose piece pattern. In this video, we are going to see about loose piece pattern. Loose piece pattern consists of pattern and drag. Now, the pattern is removed from the drag. So now, we can conclude. Hence, we have studied different types of patterns through demonstration. अब इसके बाद आपको अपने खुद के वर्ड में कंक्लूजन लिखना है कि आप क्या कंक्लूजन निकालते हो इस पूरे प्रैक्टिकल से. Now, these types of question can be asked in a Viva. तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर करने, ये कुछ एग्जाम्पल है, ये आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं हार्ड कॉपी में, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैच प्लेट पैटर्न एंड कोप एंड ड्रैग पैटर्न. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैटर्न एंड मोल्ड. वेयर डू वी यूज वुडन पैटर्न. व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ड्राफ्ट अलाउंस ऑन पैटर्न. फॉर मोर रेफरेंसेस, अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है इसमें, तो बुक्स आपके पास अवेलेबल है. जो बुक आप रेफर कर सकते हो वो कौन सी है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी बाय हाजरा चौधरी, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी बाय बीएस रघुवंशी, वॉल्यूम 1 एंड 2, हाजरा चौधरी के लिए वॉल्यूम 1, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 बाय पीएन राव, मैन्युफैक्चरिंग साइंस बाय घोष एंड मलिक, टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बाय पीसी शर्मा, वर्कशॉप प्रैक्टिस बाय एचएस बावा, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बाय कल्पक जैन. तो ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो. नाउ दिस टेबल विल बी इवैल्यूएटेड बाय द टीचर. सो दिस इज अवर थर्ड प्रैक्टिकल. डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर नेम इन अ कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो फॉर मार्किंग योर अटेंडेंस ऑन द सेम डे. आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, उसी दिन करना है, आपका नाम लिखना है उसमें, जिससे आपका अटेंडेंस मार्क हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वी विल मीट इन नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन.